Assalamu alaikum viewers, today I will teach you how can you find expired domain's name for free. So in this video I will teach you how can you find expired domain's for free. So let's get started. Simply आपने सबसे पहले एक वेबसाइट ओपन करनी है. वो उस वेबसाइट का नाम बताने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं इवेंट के रिलेटेड एक्सपायर्ड डोमेन्स मालूम करूंगा जो कि ईजिली नहीं मिलते हैं. तो उनसे रिलेटेड जब मैं मालूम करूंगा तो उसके साथ आपको बैकलिंक्स प्लस उनका DAPA लिंक्डइन डोमेन एंकर टेक्स्ट वगैरह स्पैम स्कोर वगैरह भी आपको शो करवा दूंगा. ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी पर इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल सके एक्सपायर्ड डोमेन है क्या और उसका क्या यूज़ है. सबसे पहले आपने एक वेबसाइट पर जाना है expireddomains.net पे. expireddomains.net पे जाने के बाद आपने इधर साइन अप करना है, अकाउंट बनाना है. अकाउंट बनाने के बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है. लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इधर आपके पास ये होम पेज ओपन हो जाएगा. जब ये होम पेज ओपन हो जाएगा तो इधर डोमेन सर्च राइट कॉर्नर पे लिखा है, उधर आपने कोई भी इवेंट रिलेटेड कीवर्ड लिखना है. एक कीवर्ड लिखना है आपने, जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर पे है तो हैप्पी न्यू ईयर, या आप न्यू ईयर लिखें या हैप्पी न्यू ईयर एक साथ लिखें. मैंने हैप्पी न्यू ईयर लिखा. अब 2019 के कोई इसमें एक्सपायर्ड डोमेन्स नहीं होंगे तो आप डायरेक्टली इसको चेक कर सकते हैं. अब मैं शो फिल्टर्स में जाऊंगा. शो फिल्टर में जाने के बाद मैं यहाँ पर नो एडल्ट पर क्लिक करूँगा और नीचे आऊँगा. यहाँ ओनली अवेलेबल डोमेन्स पर क्लिक करना है और यहाँ 25 या 50 75 जितने आपको डोमेन्स पर शो पर पेज शो करवाने हो यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं. तो मैं 50 सिलेक्ट करूँगा. फिर आप स्क्रॉल ऊपर गए तो इधर आप एडिशनल पर क्लिक करें. एडिशनल पर क्लिक करने के बाद यहाँ gtldsdomain.com.net.org ले लें. ये हाई टी gtlds डोमेन्स हैं. उसके बाद आपने देखें आपके पास ये सारे आ गए. तो इसमें से आपने विदाउट नंबर्स वाले सिलेक्ट करने हैं, अप्लाई फिल्टर्स करना है और यहाँ से आप देखें कॉपी कर लें. अब कॉपी करने के बाद आपने एक वेबसाइट लिखनी है जो आपको बल्क DAPA इसका शो करवाएगी 50 तक. और ये देखें ये वेबसाइट आपके सामने आ चुकी है. इसका नाम है robingupta.com बल्क डोमेन अथॉरिटी चेकर. अब यहाँ पर आपने जो डोमेन्स कॉपी किए थे वो पेस्ट करने और गेट रिजल्ट पर क्लिक करना. सो इस वेबसाइट में आपको मोस्ट रैंक दे देगा, DAPA A to Z में दे देगा. बाकी आपने स्पैम स्कोर एंकर टैक्स वगैरह कहाँ से चेक करना वो भी मैं आपको बताऊंगा. आप बैक पेज पे आ जाएं और उसी पेज में आप दूसरे डोमेन्स चेक कर भी सकते हैं. इसमें कुछ खास DAPA नहीं निकला. मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ अगेन पेस्ट करता हूँ. देखें कुछ इसमें आहिस्ता आहिस्ता आ चुके हैं हैप्पी न्यू ईयर्स इमेजेस वगैरह. तो यहाँ से अगर आपका 30+ आप जब सर्चेस करेंगे तो आपका 30+ भी आ जाएगा. तो आपने थोड़ा बहुत इसमें सर्चेस करनी है, ऑटोमेटिकली आपके पास एक अच्छा डोमेन आ जाएगा. सो इसको अगेन सर्च कर लेते हैं. अब बात रही कि आप इसका स्पैम स्कोर प्लस लिंकिंग डोमेन्स और एंकर टैक्स कैसे चेक करेंगे, तो उसको आप मोस पर चेक कर सकते हैं. कोशिश करिएगा आपको डोमेन 20+ DAPA का मिले.
फिलहाल यहाँ 20+ कोई नहीं, तो मैं 18 और 19 का ले लेता हूँ, बाकी इन सबको मैं कट कर देता हूँ। और इस डोमेन नेम को कॉपी करने के बाद आपने मोज पर जाना है, analytics.moz.com। उसके ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ पर डोमेन अपना पेस्ट कर देना है और जस्ट सर्च पर क्लिक करना है। तो देखें DAS का डोमेन अथॉरिटी 18 है, पेज अथॉरिटी 19 है, लिंकिंग डोमेन 42 है। और एंकर टेक्स देखते हैं, इसका एंकर टेक्स का इंग्लिश हैगा। इसका स्पैम स्कोर चेक करते हैं, स्पैम स्कोर इसका 0 है, तो ये डोमेन आपका सही है। और अगर सर्चिस करें तो आपको एक अच्छा डोमेन मिल जाएगा। तो इसमें अगर आप इसका URDR देखना चाहते हैं, बैक लिंक्स देखना चाहते हैं, तो आप RF में चेक कर सकते हैं और चैम्बर्स में भी आप चेक कर सकते हैं। सो आई होप यू आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। तब तक के दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।